एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसा होता है कि ऐसा सोचते हैं कि अपना नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। वो चीज अब भारी पड़ती है। पाकिस्तान के द्वारा अब स्वीकार किया गया है कि भारत नहीं बल्कि हमें 3 गुना नुकसान पहुंचा दिया है, हमारे ही दोस्त ने 80,000 सैनिकों को मारा है। जानेंगे पाकिस्तान अचानक से ये कबूल क्यों कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ क्या अमेरिका एक प्रस्ताव लेकर आया था, पर इस प्रस्ताव को रूस ने वीटो करके क्या दुनिया के सामने एक बड़ा संकट लाकर खड़ा कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी दुनिया के कुछ हालात ऐसे हैं ना कि पावर हासिल करने के लिए, दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने के लिए देश कुछ भी करने को तैयार है। और अब लड़ाई सिर्फ पृथ्वी की नहीं रह गई है, पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष की भी रह गई है। इसमें कहा जा रहा है कि चाइना और रूस की एक बड़ी प्लानिंग है और ये प्लान करना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों को ले जाना चाहते हैं। हालांकि जब ये खबरें आई थी तब रूस ने कहा था कि ये सब बकवास है, कोरी कल्पना है, लोग यूं ही कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अंतरिक्ष से किसी देश पर निशाना बनाना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा तबाही मचेगी। पर दुनिया किस तरफ जा रही है वो शायद सारे देश भूल रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिका और जापान UN में एक प्रस्ताव लेकर आए और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि देखिए, जो भी परमाणु हथियारों का प्रसार है वो हम बंद करेंगे और अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों को नहीं ले जाया जाएगा। यानी अंतरिक्ष कभी भी इस युद्ध का केंद्र नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव पर रूस ने कर दिया है वीटो। अब रूस के वीटो करने के बाद अमेरिका बौखलाया और अमेरिका ने सवाल करना शुरू कर दिया कि देखिए, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं रूस के लोग। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने एक बयान दिया और कहा कि जैसा कि हमने पहले भी नोटिस किया है, रूस सैटेलाइट ले जाने वाले परमाणु हथियारों को विकसित कर रहा है। हमने सुना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि रूस के अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों को तैनात करने की कोई योजना नहीं है। अगर ऐसा है तो रूस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो क्यों किया। सुलिवन ने कहा कि अमेरिका और जापान द्वारा जॉइंट रूप से लाए गए प्रस्ताव से ये तय हो जाता है कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती मौलिक दायित्वों के खिलाफ है। प्रस्ताव में सदस्य देशों से पृथ्वी की कक्षा में तैनात किए जा सकने वाले परमाणु हथियार नहीं बनाने की मांग भी की गई है, पर यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, इन्होंने भी कहा कि रूस ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रूस ने मुंह मोड़ा है, पर हाँ, ये वैश्विक हथियार के प्रसार को रोकने की कोशिश को विफल किया गया है। पिछले कुछ सालों में रूस खतरनाक हथियारों के मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है और वो हथियार कंट्रोल के मुद्दे की चर्चा से भी भाग रहा है, ये कहना है अमेरिका के राजदूत का। अब जिस लेवल पर युद्ध की चीजें जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये दुनिया ही खत्म हो जाए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ अचानक से पड़ोसी की तरफ से एक बयान आया है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। पाकिस्तान के बगल में है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बहुत पुराना और बड़ा ही लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ये इतिहास कैसा रहा है तो इसको ऐसे समझिए, रूस की एंट्री होती है, यानी कि सोवियत संघ उस समय का 1979 का दौर था। सोवियत संघ के हमले के समय जब अमेरिका ने पाकिस्तान को पकड़ा तो पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास जो ऐसे ग्रुप थे जो सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके लिए एक माध्यम बन गया कि उनको हथियार पहुंचाना, उनको बाकी चीजें पहुंचाना, और इसी से शुरुआत हुई
तालिबान गुट की। तालिबान गुट की शुरुआत हुई, तालिबान गुट को मदद पाकिस्तान के द्वारा पहुंचा और पाकिस्तान के द्वारा पश्चिमी देशों ने ये मदद सोवियत के खिलाफ उठाया। पर यहाँ पर चीजें बदल गई। कब बदल गई? जब 2001 के अंत में 9/11 का हमला हो गया और अमेरिका और नाटो के सहयोगी उसके उतर के आ गए अफगानिस्तान में। अब यहाँ पर पासा थोड़ा पलटने लगा, पर कहा गया कि एक तरफ अमेरिका से दोस्ती थी, दूसरी तरफ तालिबान को पाकिस्तान के बड़े तत्वों का गुप्त समर्थन था। धीरे धीरे चीजें बदली, अमेरिका भी अफगानिस्तान को छोड़कर निकल गया। अब जब छोड़कर निकल रहा था और तालिबान सत्ता पर कब्जा कर रहा था, तब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, द संडे गार्जियन का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया कि तालिबान को फुल सपोर्ट दिया पाकिस्तान ने, यहाँ तक कि पंजशीर में लड़ाई में भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने तालिबान का साथ दिया। तालिबान को साथ लेकर पाकिस्तान के इरादे बहुत बड़े बड़े थे। पाकिस्तान का इरादा था भारत के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल करना, पाकिस्तान का इरादा था टीटीपी ग्रुप को कंट्रोल करना, पाकिस्तान के और भी कई सारे इरादे थे कि तालिबान को हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसा वैसा चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने भी अपनी पॉलिसी में बदलाव कर दिया, चाइना ने भी अपनी पॉलिसी में बदलाव कर दिया और तालिबान के संग दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। पर अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि हैं राजदूत आसिफ दुर्रानी। इनका क्या कहना है? इन्होंने बुधवार को एक बयान देकर हड़कंप मचा दिया और दुनिया के सामने एक एग्जांपल रख दिया कि देखिए, आपको सबसे पहले सही रास्ते पे चलते हुए अपना फायदा देखना चाहिए। आसिफ दुरानी ने क्या कहा कि पाकिस्तान को भारत से 3 युद्धों को लड़कर जितना नुकसान नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान के कारण पाकिस्तान को हो गया है। दुरानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज इस्लामाबाद की ओर से एक कार्यक्रम में कह रहे थे, जिस कार्यक्रम का नाम था जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान का क्या रोल है। दुरानी ने कहा कि पिछले 20 सालों में 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी भी मृतकों और घायलों की गिनती कर रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो सेना के लौट जाने के बाद आशा थी कि अफगानिस्तान में शांति से पूरे क्षेत्र में शांति होगी, हालांकि ऐसी उम्मीदें छोटे समय के लिए थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में टीटीपी के हमलों में 65% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आत्मघाती हमले 500% तक बढ़ चुके हैं। अब पाकिस्तान को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन आखिरकार तालिबान पाकिस्तान से नाराज क्यों हो गया है? कई कारण है जिसने आग में घी डालने का काम किया, जैसे 5 लाख अफगानिस्तान के लोगों को निकाल दिया गया, बार बार व्यापारिक रास्ते को बंद किया गया, डूरंड लाइन जो कि एक बहुत पुराना ऐतिहासिक झगड़ा है वो फिर से निकल कर आ गया। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसने बीज बोना शुरू कर दिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन इस लेवल का बढ़ गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि तालिबान के लीडर कहते हैं कि पाकिस्तान को ही मिटा देंगे नक्शे से, इस पृथ्वी से, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अब ऐसे सीन में पाकिस्तान को भारत से नहीं बल्कि अफगानिस्तान और अपनी पॉलिसी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।